सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता पुलिस की कलई खुल गई। जो कोलकाता पुलिस ईमानदारी से रेप और मर्डर केस की जांच का दावा कर रही थी, उसकी पोल पट्टी कोर्ट ने यह पूछते हुए खोल दी कि इस मामले में एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज क्यों हुई। 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पाडेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने इस तरह की जांच नहीं देखी। क्या इसके बाद भी कुछ कहने लायक है? हम क्यों ना कहें कि कोलकाता पुलिस ने रेप मर्डर केस का कत्ल कर दिया है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। पहले ये सियासी बयान देखिए। जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में, थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। कोई ना कोई तो गलत साजिश है ही उसका। हमारा पॉकेट पिक पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। वो घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जो इसके मुख्य आरोपी हैं, गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।